हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम महाराष्ट्र के जो एकदम सेंटर में है, जिसे कहेंगे हम हार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा एक कॉलेज है, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर, तो इसका रिव्यू देखने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कॉलेज है ये नागपुर में है एंड इट इज़ माइनॉरिटी कॉलेज। उसका एड्रेस है, देखो दोस्तों, कोटल रोड लोनंद नागपुर, यानी कि नागपुर में अगर आप किसी को भी बताओगे तो यार कोई भी बता देगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1984, मीन्स इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है, 84 में इस्टेब्लिश हुआ था। NIRF 2022 का उसका रैंकिंग है 146, बहुत ही बढ़िया है, आउट ऑफ 300 146, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बढ़िया कॉलेज है ये। प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज है फ्रेंड्स ये, एंड इट इज़ माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे 51% रिजर्वेशन हुए एंड बाकी के 49% जो होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी ओपन कैटेगरी के लिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं। अब हिंदी माइनॉरिटी कौन कौन आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी में कौन आएगा। तो फ्रेंड्स, जिस किसी का भी मदर टंग हिंदी होगा, जो टीसी पे लिखा होगा, टीसी पे मदर टंग मातृभाषा हिंदी लिखा होगा, तो वो स्टूडेंट्स ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं। दे कैन अप्लाई इन ये लिंग्विस्टिक कैटेगरी से, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे कैटेगरी के लिए ओपन, एससी, एसटी, वीजे, एनटी, 1, 2, 3 सब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, 49% उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट टाइम जो थदोमल सहानी का जो रिव्यू लिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे कैटेगरी के लिए फ़ीस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फीस के बारे में जैसे देखेंगे हम, तो फीस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही आपको फीस लगेगी, लेकिन आपका यहाँ पे नंबर जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से लगेगा। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मदर टंग हिंदी है, तो आपका 51% ये यहाँ से एडमिशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एफिलेटेड टू RTM, दैट इज राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, NAC द्वारा इसे A+ मिला है, यार बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, एंड अप्रूव्ड बाय AICT, यानी कि हर एक नॉब पे ये कॉलेज बहुत ही डायमंड है। उसके बाद में इसका कैंपस 13 acres का है, बहुत अच्छा कैंपस है। फीस यहाँ पे अराउंड 1.66 lakh, यानी कि 2.25 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली पकड़ेंगे हम, पर ईयर आपका फीस होगा। ये फीस जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी से एडमिशन लेंगे उनके लिए गवर्नमेंट के तरफ से जो भी फीस रिलैक्सेशन होता है, वेरियर होता है, उस हिसाब से उन्हें यहाँ पे फीस कम ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, VJ इनकी जो फीस है वो यहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ पे जब तक जितने भी कॉलेज का रिव्यू देखा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, ब्रांचेस है, नियर अबाउट 23 ब्रांचेस यहाँ पे, एंड द स्ट्रेंथ जो सीट मैट्रिक्स है ये भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 49% अनरिजर्व के लिए है, इसका मतलब बहुत कम है ऐसा नहीं है। हर एक स्पेशलाइजेशन की जो इनटेक कैपेसिटी है वो 100, 120 या फिर उससे भी ज़्यादा 180 इस तरीके से, तो यार आराम से आपका नंबर यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज़ ENTC है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे ब्रांचेस है फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, हर एक का इंटेक कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। किसी किसी का है जैसे मैकेनिकल का 60 है, बाकी जो ब्रांचेस है जो ज़्यादा डिमांडेड है उनका इंटेक कैपेसिटी 120 या फिर 180 तक है। साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत ही क्या कहेंगे हम, फ्यूचर वाला ब्रांच है दोस्तों, जिसे फ्यूचर में बहुत बढ़िया
मार्केट आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मैकेनिकल लर्निंग दैट इज AIML, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इतने सारे ब्रांचेस हैं यार यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। यू कैन चूज एनी वन, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप यहाँ पे ले सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत बढ़िया है, इन कैंपस में ही हॉस्टल है एंड ये हॉस्टल विथ फुल एमिनिटीड है। यहाँ पे आपको पूरा जितने भी एमिनिटीज़ होनी है वो सारी की सारी मिलती है, यानी कि यहाँ पे हॉस्टल एकदम आप जैसा फील करोगे कि यार होटल में रह रहे, इस तरीके का यहाँ पे हॉस्टल है। अप्रॉक्सीमेटली फीस जो है वो है पर ईयर 1 लाख रुपीज़ फीस है, तो फीस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पॉश एंड क्लास यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। उसके बाद में प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो अब तक हाइस्ट पैकेज यहाँ पे मिल चुका है 48.3 लाख पर एनम, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इफ़ वी कंपेयर दिस कॉलेज विथ मुंबई और पूना कॉलेजेस तो यार हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा पैकेज यहाँ पे मिला है। एवरेज पैकेज अब तक मिला है 8 लाख पर एनम एंड प्लेसमेंट का रेशियो भी फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत बढ़िया है, हर ब्रांच का अगर देखेंगे हम तो 90+ यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का रेशियो मिलेगा, यानी कि हर साल जितने भी स्टूडेंट्स हैं 90% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल ही जाता है, बाकी के जो है तो पीजी के लिए चले जाते हैं। कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, अभी जैसे बताया हाइस्ट पैकेज अब तक यहाँ पे मिला था 48.3 लाख पर एनम, तो यहाँ पे देखिए फाइव ट्रैन ये जो कंपनी है इसने ये पैकेज ऑफर किया है। उसके बाद में कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, TCS है, महिंद्रा है, बिरला सॉफ्ट, बार्कलेस है, VM मरे है, आदित्य बिरला, सर्विस नाउ एंड एसेंचर, यानी कि यार टॉप जो कंपनियाज है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के वो सारे यहाँ पे आते हैं, हर साल यहाँ पे जितने भी ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको यार यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है फ्रेंड्स। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर लगने के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, तो दिस इज़ लास्ट ईयर कट ऑफ 2022 का कट ऑफ है। यहाँ पे 4 ही पॉइंट इसलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे ओपन का जो है ओपन के लिए है, मतलब यहाँ पे SC ST VJNT OBC SBC सब यहाँ पे जनरल ओपन में ही कंसिडर होंगे, तो उसका कट ऑफ था 97.67 एंड लेडीज ओपन का कट ऑफ था 97.35। TFWS ट्यूशन फी वीवर स्कीम से अगर आप एडमिशन लेते हो तो 98.73 आपको इतना परसेंटाइल लाना होगा या भी मोर देन दिस, एंड जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होंगे जिनका मदर टंग हिंदी है उनके लिए 94.23 इतना कट ऑफ था। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सीट्स है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यार यू शुड गो टू दिस कॉलेज। जो भी विदर्भ साइड के स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है मैं तो कहूँगा। तो यार होप आपको ये सारा डिटेल्स अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।